नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। और ये वीडियो में जो आपके सामने लेके आया हूँ ये जॉब सेक्शन से रिलेटेड है, यानी कि नई एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड है। और यहाँ पे जो वैकेंसी निकली है वो निकली है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत ही अच्छा वीडियो है, आपको ये शुरू से आखिर तक जरूर देखना चाहिए। यहाँ पे मैं टोटल वैकेंसी की बात करूँ तो 87 टोटल वैकेंसी है, परंतु जो वैकेंसी निकली है वो तीन कैटेगरी में बटी हुई है, यानी कि प्रोफेसर की, एसोसिएट प्रोफेसर की और असिस्टेंट प्रोफेसर की। परंतु सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की है। आप सैलरी की बात पूछेंगे तो सैलरी प्रोफेसर के लिए 14th लेवल में है, 13th ए में एसोसिएट प्रोफेसर के लिए है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लेवल 10 में है। और पे लेवल कमीशन की बात करें तो 7th पे लेवल कमीशन यहाँ पे है, तो आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी है। लास्ट डेट की बात करें तो 31 जुलाई है और डॉक्यूमेंट भी आपको यूनिवर्सिटी में भेजने होंगे जिसकी लास्ट डेट बनती है 7 अगस्त 2020। दोस्तों, यदि आपकी एजुकेशन यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन पूरी है और आप यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये शुरू से आखिर तक जरूर देखना चाहिए। और इस पूरी जानकारी के लिए आप बने रहिए मेरे साथ। एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम यहाँ पे बात कर रहे थे तीन प्रकार की वैकेंसी यहाँ पे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की, एसोसिएट प्रोफेसर की और प्रोफेसर की। यदि हम यहाँ पे सैलरी की बात करें तो ये पे लेवल मैट्रिक्स के अनुसार हैं और 7th सेंट्रल पे कमीशन के अनुसार आपकी सैलरी बनेगी। यहाँ पे जो पे मैट्रिक्स है उसके अनुसार आपकी 10th टेबल के अनुसार बनेगी आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की, एसोसिएट प्रोफेसर की 13A के अनुसार और लेवल 14 के अनुसार बनेगी यहाँ पे प्रोफेसर की सैलरी। और यहाँ पे एक बात और इम्पोर्टेंट है कि एडवर्टीजमेंट नंबर 1/2020 है, एम्प्लॉयमेंट नोटिस जो फैकल्टी पोजीशन का है ये 22/6/2020 को सामने आया था, परंतु आज हम जब इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये जुलाई की 1 तारीख हो गई है, तो थोड़ा सा इसमें लेट बेसिक है, परंतु इतना भी लेट नहीं है कि आप आराम से यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और इन पोस्टों के लिए जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ पे आप देखिए कि ये टोटल बता रखा है इसके बारे में कि प्रोफेसर की वैकेंसी दे रखी है 15, एसोसिएट प्रोफेसर की यहाँ पे हैं 28 वैकेंसी। इसी प्रकार से हम बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की तो यहाँ पे 44 वैकेंसी हैं और ये सैलरी का जो पे मैट्रिक्स मैंने आपको बताया था ये यहाँ पे डिस्कस एक बार फिर से किया गया है। अब बात करते हैं लास्ट डेट की। लास्ट डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट डेट जो आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन, क्योंकि आपके जो फॉर्म अप्लाई होंगे वो ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से ही होंगे, तो किसी भी प्रकार से आपको ऑफलाइन एप्लीकेशन बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं भेजनी है। लास्ट डेट इसकी यहाँ पे है 31 जुलाई 2020। इसके बाद में एक और बहुत इम्पोर्टेंट सूचना मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा कि कैंडिडेट्स को प्रिंट कॉपी भी भेजनी है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की, और वो भेजनी है टेस्टिमोनियल्स के साथ, यानी सभी प्रकार के आपके डॉक्यूमेंट के साथ में, और वो यूनिवर्सिटी में पहुंच जाने चाहिए 7 अगस्त 2020 तक। यानी कि लास्ट डेट आपकी 31 जुलाई है और उसके बाद में 7 अगस्त तक आप अपने डॉक्यूमेंट यहाँ पे भेजते हैं। यहाँ पे जो बात बता रखी है वो बता रखी कि अर्लियर जो एडवर्टीजमेंट आया था, जो एडवर्टीजमेंट का नंबर था 1/2019, 2/2019, 3/2019 जो डेटेड आया था 1/8/2019 को स्टैंड विड्रॉन, यानी कि इसको विड्रॉ कर लिया गया है। और एप्लीकेशन फीस रिमिटेड बाय द कैंडिडेट्स इन रिस्पॉन्स टू देयर एडवर्टीजमेंट विल बी रिटर्न ऑन देयर सबमिशन ऑफ डिटेल ऑफ फीस पेड, रिसिप्ट नंबर और बैंक अकाउंट, यानी आपकी फीस है वो उनको पे कर दी गई है और ये एडवर्टीजमेंट अब दोबारा से आ गई हैं और पहले वाली जो एडवर्टीजमेंट है इनको विड्रॉ यहाँ पे कर दिया गया है। यहाँ पे एक और बात बता रखी है, वो बता रखी है कि यूनिवर्सिटी की साइट कौन सी है, cuo.ac.in पे जाके आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। हाँ, मैंने एक बात बताई नहीं कि यूनिवर्सिटी कौन सी है, इसके बारे में हमारा डिस्कशन हुआ ही नहीं है। चलिए हम यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले, और सबसे इम्पोर्टेंट भी ये है। यहाँ पे देखिए, ये है सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तो बात मैं पहले भी कर रहा था, परंतु सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन सी है, ओडिशा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ये एडवर्टीजमेंट की हम बात कर चुके हैं 1/2020 में, और ये फैकल्टी पोजीशन है, यानी कि यहाँ पे टीचिंग फैकल्टी पोजीशन की यहाँ पे ज़रूरत है। कुछ ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है, इसको हम कभी नहीं पढ़ते और आगे चलते हैं जो हमारे काम की चीज़ है, जिसको हमने यहाँ पे डिस्क्राइब कर ही दिया है। उसके बाद में ये बेहद इंपॉर्टेंट सेक्शन आपके सामने है
किस किस सब्जेक्ट के अंदर वैकेंसियाँ हैं इनका हमें पता होना चाहिए, तभी हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की यहाँ पे बात की गई है। यहाँ पे इंग्लिश की पोस्ट हैं, उड़िया यानी कि उड़ीसा के अंदर है, जो उनकी लैंग्वेज है उड़िया है, तो उसकी पोस्ट हैं। उसके बाद में सोशोलॉजी की है, जर्नलिज्म की है, एंथ्रोपोलॉजी की वैकेंसी यहाँ पे हैं, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। उसके बाद में इकोनॉमिक्स की वैकेंसी आपको मिलेंगी, फिर उसके बाद में बायोडाइवर्सिटी की है, एंथ्रोपोलॉजी की है, मैथमेटिक्स की वैकेंसी हैं, एजुकेशन की हैं, हिंदी की हैं, संस्कृत की, स्टेटिस्टिक्स की, बिजनेस मैनेजमेंट और कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी यहाँ पे उपलब्ध हैं। आप इनको देख सकते हैं और ध्यान से, और फिर उसके बाद में आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में कुछ दे रखी है एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी यदि बात करें तो प्रोफेसर की आप देख सकते हैं कि पीएचडी यहाँ पे चाहिए होती है, हाई क्वालिटी में आपने पब्लिश वर्क वगैरह किया हो, 10 रिसर्च पेपर एटलीस्ट आपने पब्लिश किया हो, आपका रिसर्च स्कोर 120 इत्यादि वगैरह यहाँ पे हो, तो इसके बाद में आपका 10 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है, तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर की बात की गई है कि उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, पीएचडी इसमें भी ज़रूरी होता है, आपको पता ही होगा कि चाहे प्रोफेसर की बात करें, असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें, एसोसिएट प्रोफेसर की बात करें, पीएचडी अब यूनिवर्सिटी लेवल पे तो ज़रूरी हो ही गई है। परंतु सही मायने में देखें, यदि आप रिकॉर्ड के हिसाब से जाओगे तो फिर आपको जुलाई 2021 यानी कि तब से कंपलसरी हो जाएगी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यूनिवर्सिटी में। परंतु अब भी उसको आप एक कंपलसरी की तरह ही देखें, क्योंकि इतने मार्क्स मिलते हैं पीएचडी कैंडिडेट को जिसको कभी कंपनसेट ही नहीं कर पाता, तो जिसके कारण सिलेक्शन सिर्फ नेट वाले का नहीं हो पाता है, यूनिवर्सिटी में पीएचडी वाले का होता है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में बात कर रही थी, पीएचडी यहाँ पे चाहिए 55% मार्क्स आपको मास्टर डिग्री में चाहिए और 8 साल का एक्सपीरियंस आपका यहाँ पे होना चाहिए, रिसर्च स्कोर आपका 75 यहाँ पे जरूर हो, तभी यहाँ पे बात बनेगी। अब उसके बाद देख लेते हैं एसोसिएट प्रोफेसर के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में। यहाँ पे मास्टर डिग्री में आपको 55% मार्क्स चाहिए और उसके लेवल में यदि आपका इक्विवेलेंट ग्रेड वगैरह है तो उसके बारे में बात है, और उसके बाद में आपको छूट मिल जाती है यदि आपने पीएचडी पहले कर रखी है, 2009 के नॉर्म्स के अनुसार कर रखी है तब आपको ये चाहिए, यदि आपने फोन से कर रखी है तो फिर 500 की रैंक में आपकी यूनिवर्सिटी यहाँ पे आनी चाहिए। कुछ एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर रखी है, ये हम बात कर ही चुके हैं, इसको दोबारा से रिपीट करने की कोई यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो ये बाकी चीज़ें वही हैं। कुछ चीज़ें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए डिजायरेबल हैं, जैसे एजुकेशन की यहाँ पे बात है तो एमएड यहाँ पे चाहिए और पीएचडी इन एजुकेशन चाहिए और नॉलेज चाहिए आईसीटी इन एजुकेशन का, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिजायरेबल के तौर पे मांग रखी हैं। आप हर सब्जेक्ट के अनुसार इसको चेक कर सकते हैं और साइट मैंने यहाँ पे डिस्कस कर ही ली है कि यदि आप इसको कंप्लीट देखना चाहते हैं या कंप्लीट इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप साइट पे जाइएगा, वहाँ से इस एडवर्टीजमेंट को आप डाउनलोड कर लीजिएगा और कंप्लीट इस तरीके का पढ़िएगा कि ताकि आपका कुछ भी यहाँ पे छूट ना जाए। यहाँ पे मैं एक बात डिस्कस करना चाहूँगा जो बेहद इंपॉर्टेंट है और वो है 1000 रुपये फीस, चाहे इसके अंदर आप जनरल हों, ओबीसी हों, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर हों, परंतु यदि आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी या फिर महिला हैं तो आपको किसी भी प्रकार की फीस यहाँ पे नहीं देनी पड़ेगी। ये 1000 रुपये आपको कैसे पे करने हैं, एसबीआई ई पे के माध्यम से आपको ये पे करने होंगे, और एक बार फीस आपने दे दी तो उसके बाद ये रिफंड नहीं होगी, इस बात का भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो बाकी ये चीज़ें हैं जो कंप्लीट ये बात कर रखी है कि जैसे 7 अगस्त तक आपकी फ़ीस यहाँ पे पहुँच जानी चाहिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन और सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात की गई है कि मैं यहाँ पे फीस के बारे में बता रहा था, तो फीस आपकी 31 जुलाई तक और डॉक्यूमेंट आपके 7 अगस्त तक यहाँ पे पहुँच जाने चाहिए, तो इस बारे में बात कर रखी है। और इसके बारे में यदि बात करें तो बाकी जनरल सी कंडीशंस यहाँ पे बता रखी हैं, यदि आप गवर्नमेंट में हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको चाहिएगा, यहाँ पे मेंशन ये कर रखा है, और इसके बाद में वैलिड आईडी वगैरह आपके पास होनी चाहिए, ये चीज़ भी यहाँ पे कह रखी हैं। बाकी सारी जनरल जो चीज़ें होती हैं वही हैं, इसके अंदर कोई खास चीज़ बताने की नहीं है। किसी भी प्रकार का TADA आपको नहीं मिलेगा, और जिस पते पर आपको टेस्टिमोनियल भेजने हैं उसका ये पता दे रखा है, द रजिस्ट्रार और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा, PANAD और ये कोरापुट वगैरह इस प्रकार से आपका दे रखा है। यहाँ पे आपको एडवर्टीजमेंट नंबर लिखना होगा और नेम ऑफ द पोस्ट यहाँ पे लिख देना होगा, तो ये सारी जानकारी यहाँ पे दे रखी है। उम्मीद करता हूँ ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा, हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इसी के साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। हम नई नई जानकारी लेके आते हैं इसके ऊपर, इसके अंदर बहुत सारी जो जानकारी हैं वो हैं हमारी वैकेंसी से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड और नई चीज़ें
जो अवेयरनेस से रिलेटेड हैं या फिर एजुकेशन से संबंधित है वो जानकारी भी हम इसके ऊपर लेके आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहिएगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।